दोस्तों, जैसे आपको पता है, हम सेल्या नेटवर्क में माइनिंग कर रहे हैं। इनका वेब पेज है और इनका एप्लीकेशन भी है। तो अब इन्होंने विड्रॉल एंड लिस्टिंग का अपडेट दे दिया है। बहुत ही बड़ा अपडेट है और वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो नए फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप भी ज्वाइन कर सकते हो और बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से माइनिंग भी कर सकते हो। ना एडवर्टाइजमेंट चलती है, ना ही कोई ज़्यादा इंटरनेट यूज होता है और ना ही आपके फ़ोन की बैटरी वगैरह यूज होता है। तो वेब पेज पर भी माइनिंग कर सकते हो और एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो उसको भी डाउनलोड करके वहाँ से भी माइनिंग को कर सकते हो। सो सेम कंडीशन है, 24 घंटे में एक बार आना होता है और यहाँ से माइनिंग करना होता है। सो माइन सीएलटी है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी भी बहुत सारे दोस्त है वो इनएक्टिव है, सो आप भी एक्टिव हो सकते हो और यहाँ से अपना कॉइन को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि अब सीएलटी टोकन लीज होने वाला है। और मज़ेदार बात यह है कि ये लोग अपना ओन एक्सचेंज ला रहे हैं। सो पहले अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे बड़े बड़े एक्सचेंजेस है जैसे कि बाइनांस, OKX, कुकॉइन, वहाँ पर भी बहुत ही जल्द लिस्ट करने वाले हैं। सो ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है और इसमें भी धड़ल्ले से डेवलपमेंट हो रहा है। तो चलिए फुल डिटेल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में भी आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेट कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और साथ में टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर नई अपडेट तुरंत आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले तो इनका वाइट पेपर नया आने वाला है, ठीक है। सो ये वाइट पेपर 1 था, अब वाइट पेपर 2 भी बहुत जल्द आएगा। अभी इनका ऑफिशियल ट्वीट है, एथसेलिया वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म ऑफ दैट इज डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ अवर यूजर्स। तो इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो हम जो यूजर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, ऐसा होना चाहिए नाउ एंड इन द फ्यूचर। सो अभी के लिए और आगे आने वाले वक्त के लिए भी प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। अवर टीम इज प्रिपेयर टू टेक अ टाइम नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रोबस्ट एंड स्केलेबल सिस्टम। सो इनकी टीम वर्क कर रही है और हमारे लिए इनका प्लेटफॉर्म है उसको बेटर बना रहे हैं, दैट कैन हैंडल द डिमांड्स ऑफ द मार्केट। तो अब ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हमारी और साथ में मार्केट की जितने भी नीड्स है यानी डिमांड्स है उसको कम्प्लीट कर सके। वी रिकॉग्नाइज दैट दिस मे कॉज डिले इन इनिशियल डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इनका जो पहला डेवलपमेंट प्रोसेस था, जो टाइमलाइन बताया था, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, बट वी बिलीव दैट इट इज़ क्रूशियल फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ आवर एक्सचेंज। तो यहीं से ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, इनका ओन एक्सचेंज आने वाला है, तो शायद इनके एप्लीकेशन है उसी को ही एक्सचेंज बना दे, ठीक है। तो ये लोग इसके लिए वर्क कर रहे हैं। सो थोड़ा डिले होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये लोग सब कुछ बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं जिससे बाद में जाकर परेशानी ना हो, यानी कि इनका एक्सचेंज है वो क्रैश ना हो जाए, वॉलेट में प्रॉब्लम ना हो, अलग अलग ब्लॉकचेन पर कन्वर्ट करने में भी हमको परेशानी ना हो, और ऐसी ही बहुत सारी वजह है उसमें परेशानी ना हो, इसलिए लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। कीप माइनिंग, तो आप माइनिंग कर सकते हो। जो नए फ्रेंड्स हैं उनके लिए लिंक और रेफरल कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अभी इनका पहला स्टेप है वो कम्प्लीट हो चुका है, टेस्टनेट माइनिंग एंड एयरड्रॉप। सो अभी माइनिंग चल रहा है, एयरड्रॉप भी हमको मिल रहा है। दूसरा है लॉन्च टोकन, तो इनका भी TGE आएगा, ये लोग भी अपना टोकन लॉन्च करेंगे। उसके बाद है ICO, तो यहीं से इनका प्राइस का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फेज़ 1 में $0.09, फेज़ 2 में $0.12 और फेज़ 3 में $0.15, तो ये फेज़ 3 तक का रहेगा। तो यहीं से आप समझ सकते हो इसका लिस्टिंग होगा वो $0.15 से ज़्यादा ही होगा। सो मिनिमम हम $0.2 को मान सकते हैं कि इसका लिस्टिंग मिनिमम $0.2 पर हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन उससे कम तो नहीं होगा, ठीक है। तो ICO आएगा, उसके बाद लास्ट रहेगा सेल्या लॉन्च, लिस्टिंग, KYC एंड ट्रेडिंग। तो ये बात पक्की हो गई कि ICO के बाद ही इसका लिस्टिंग होगा, ICO से पहले इसका लिस्टिंग नहीं होगा। सो मेन बात यह है कि इसका ICO कब आएगा। तो ये 4 स्टेप है, उसके बाद सेल्या टोकन है उसका लिस्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया है स्पेसिफिक डेट्स ऑफ ईच इवेंट्स विल बी आउट इन आवर न्यू वर्जन वाइट पेपर। तो जैसे वीडियो के शुरुआत में बताया, इनका नया वाइट पेपर आने वाला है, तो उस वाइट पेपर में इनके जितने भी इवेंट हैं यानी आगे जो 4 स्टेप आपको बताए वो स्टेप कौन सी डेट को कंप्लीट होंगी और कौन सी डेट को स्टार्ट होंगी, वो सब हमको ये लोग डिटेल में बताएंगे। तो नया वाइट पेपर का हमको इंतजार रहेगा, ठीक है। दोस्तों, अब नई अपडेट है, सेल्या विल कम्बाइन द सेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इकोसिस्टम। हमें पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन पर ही बेस्ड है, अब ये लोग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिस तरीके से कोर कॉइन में हुआ है। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों की टेक्नोलॉजी को मिक्स करके इन्होंने कोर कॉइन बनाया था, अब ये लोग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को एक करके अपना नया इकोसिस्टम बना रहे हैं टू क्रिएट अ सिंपल एंड रिमार्केबल यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सेल्या डेफी एंड सेफ इकोसिस्टम। अब डिसेंट्रलाइजेशन में मोबाइल वॉलेट आएगा, सेल्या स्टैकिंग आएगा, फार्मिंग पूल्स आएगा एंड लैंडिंग आएगा।
और इन सबसे तो आप वाकिफ़ होंगे। अब सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, सेल या P2P, यहाँ से हम जो P2P कर पाएंगे वो सेंट्रलाइज फाइनेंस के थ्रू होगा। सेल या सेविंग्स, सेल या स्पॉट ट्रेडिंग, पेमेंट गेटवे, सेल या लॉन्च पुट, तो ये सब कुछ सेंट्रलाइज फाइनेंस में आएगा, ठीक है। यानी ये सब कुछ किसी न किसी की निगरानी में होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इनका अपडेट है, ज़बरदस्त अपडेट है। और वैसे भी 5 दिन पहले इन्होंने ये वाला ट्वीट किया था, जो top 10 एक्सचेंजेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है उनका लिस्ट CoinGeek ने बताया था, तो उसकी ट्वीट को इन्होंने रीट्वीट किया था, तो यहीं से हमको अंदाज़ा आ चुका था, ठीक है। तो अब इन्होंने लेटेस्ट अपडेट दे दिया है, ये लोग बहुत ही जल्द अपना एक्शन लाएंगे, उस पर सेलिया टोकन लिस्ट होगा, उसके बाद दूसरे बड़े बड़े एक्सचेंजेस है वहाँ पर भी लिस्ट होगा। तो माइनिंग करते रहिए और नया नया जानते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। तो चले मिलते हैं एक और नई अपडेट में, तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।